आज हम आपको अपने विद्यालय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भूलीगांव की साइंस लैब दिखाएंगे। उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में। उससे पहले ये हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, ये सारे अच्छे से हेल्दी इंडोर प्लांट्स। ये हमारा प्रधानाचार्य कक्ष, ये हमारी विज्ञान प्रयोगशाला। अब इस विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? कभी बच्चे कहते हैं कि साइंस लैब में क्या होता है, क्या क्या सामान होता है, तो आज हम पूरा इसके बारे में पूरा जितना भी आज दिखा सकते हैं उसके अलावा ये हम पहले उसका जो बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल हैं ये सारे हमने संभाल के रखे हैं। हमारे बच्चे साइंस कंपटीशन में राज्य स्तर तक गए हैं और हर साल कुछ न कुछ हमारे बच्चे पोजीशन लेके आते हैं। ये भंडार कक्ष है, इसके अंदर भी हमने मॉडल रखे हैं। ये हमारा विज्ञान प्रभारी कक्ष अर्थात मेरा बैठने वाला स्थान, मेरा कक्ष। ये हमारी विज्ञान सहायिका मंजू हैं जो हमारी प्रैक्टिकल के समय हेल्प करती हैं। इसके अलावा मल्टी टैलेंटेड हैं, ऑफिस का काम भी इन्होंने संभाला है। अब देखिए ये फिल्टर भी लगे हैं। ये सारा हमारे जो हैं आर्टिफिशियल और जो हमने मंगा रखे हैं वो मॉडल भी हैं ताकि बच्चे इससे प्रेरित हों। ये हमारे बच्चों के द्वारा बनाया गया एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी से कैसे यूरिन पास आउट होता है, कैसे प्योरीफिकेशन होता है, किडनीज कैसे प्योरीफाई करते हैं, ये सारा दिखा रखा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्हीं जो ये हमारे मंगाए गए मॉडल हैं इनसे भी प्रेरित होते हैं बच्चे। ये बच्चे के द्वारा बनाया गया सुंदर सा एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये हमारा पोल्यूशन से संबंधित मॉडल बच्चों ने बनाया, ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड। और वो किडनी ब्लैडर विद ब्लैडर ये हमारा मार्केट से मंगाया हुआ है। ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन, जब हम स्केलेटन वाला चैप्टर पढ़ाते हैं तो इसको हम मॉडल के रूप में दर्शाते हैं। ये है ये चार्ट्स, साइंस से रिलेटेड चार्ट्स। ये भी एक हमारा राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भूलीगांव का मॉडल हमारे बच्चे के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों में रचनात्मकता देखने को मिलती है और बच्चे सीखते हैं। पुराने बच्चे भी इस तरह से मॉडल बनाते हैं तो नए बच्चों को कुछ न कुछ सिखा जाते हैं इनको हम। तो ये स्वच्छता से संबंधित मॉडल पिछली बार जब हम ले गए थे तो इसमें भी बच्चा पोजीशन लेके आए थे। ये एक दीप्ति लड़की है, दीपिका, कक्षा 10 में उन्होंने प्रैक्टिकल में बनाया था और ये मॉडल हम कंपटीशन में भी ले गए थे। और मॉडल हम आपको दिखाते हैं, ये बच्चों से बने चार्ट वगैरह। ये मॉडल देखिए मैंने भंडार कक्ष में रखे हैं बिल्कुल संभाल के ताकि नए बच्चे भी इनसे कुछ सीखते हैं। इसमें ये देखिए स्वच्छता से रिलेटेड, ये मोटे अनाज से संबंधित भी, मोटे अनाज कितने इम्पोर्टेंस हैं ये उससे रिलेटेड भी हमारे बच्चों ने मॉडल बनाए हैं। ये सारे मॉडल बहुत मेहनत करते हैं हमारे बच्चे। ये परिवहन से संबंधित मॉडल, इसके अलावा ये सारे मॉडल, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और फ्लावर्स का मॉडल, ये पॉल्यूशन से रिलेटेड मॉडल, ये सारे हमारे बच्चे हर साल कंपटीशन में जाते हैं और हर साल कोई ना कोई पोजीशन लेके आते हैं। तो ये था हमारा आज तक का, अभी तक का पूरा जो बच्चों के द्वारा बनाया गया है।
तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।